हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे बहुत सारा काम सुबह का कंप्लीट कर लिया है। तो मैंने यहाँ पे दोपहर के खाने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कद्दू भाजी को काट ली है। काटने के बाद यहाँ पे मैंने करील को उबालने के लिए चढ़ा दी, उसमें नमक हल्दी डाल के। तो मैंने यहाँ पे दाल को भी धो लिया है और भाजी को भी धो लिया है। तो यहाँ पे मैंने नमक हल्दी डाल दी और टमाटर भी डाल दी हूँ। उसके बाद मैंने इसको भी धो ले रही हूँ और करील को। उसके बाद मैंने यहाँ पे भाजी को भी धो ली, तो यहाँ पे मैंने भाजी को भी ऐड कर दे रही हूँ। उसके बाद करील को भी ऐड कर दूँगी। तो इस तरह से अच्छे से सबको हम ऐड कर लेंगे, फिर अच्छे से मिक्स कर देंगे। उसके बाद उसको पकने के लिए 2 से 3 सीटी पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाएंगे उसको। ज़्यादा पका देंगे तो अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पर मैंने कम ही पकाया था। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने चावल को भी साफ़ कर दे रही हूँ। तो साफ़ करने के बाद मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा दी। उसके बाद मैंने दोनों बच्चे को नहलाऊंगी। तो इन लोग दोनों भाई खेल रहे थे, मैंने यहाँ पे झाड़ू लगा ली। इधर मेरा सब्जी पक चुका था, तो मैंने यहाँ पे तड़का लगा ले रही हूँ। इधर मेरे बच्चे को नहला भी दे रही हूँ। दोनों भाई इधर नहा रहे हैं पानी से। तो इन लोग दोनों भाई मस्ती कर रहे थे, बहुत ज़्यादा पानी में खेल रहे थे। और यहाँ पर मैंने लहसुन मिर्ची का तड़का देने के बाद उसको फ्राई कर ली इस तरह से। तो इस तरह से बनाएंगे ना कद्दू और करील का भाजी और दाल, तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप लोग देख सकते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से बना है मेरा भाजी दाल। तो मैंने यहाँ पे उसको खाली कर दे रही हूँ। उसके बाद मैंने टमाटर का चटनी बनाऊँगी उसके साथ खाने के लिए। इधर मेरा बेटा आ गया था कपड़ा बनाने के लिए, उन लोग पानी को नहलाने ली थी। उसके बाद पानी में खेल रहे थे उन लोग, तो आ गया था ठंडी लगा, तो मैंने उसको टावेल में पकड़ लिया। उसको टावेल में पकड़ोगे तो ना नहीं रोता, नहीं तो रोता है वो। तो मैंने यहाँ पे टमाटर को चटनी बनाने के लिए डाल दूँगी। उसके बाद मैं बच्चे को भी रेडी कर दूँगी। यहाँ पे मेरे बेटा को पकड़े पकड़े यहाँ पे मैंने टमाटर का चटनी भी बना रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने जीरा सरसों और मेथी का तड़का दे दी हूँ और करी पत्ता का। तो इधर मेरा बेटा भी तैयार हो गया है। तो यहाँ पर मेरा बेटा जो ना बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहा था, मेरे से प्यार कर रहा था बहुत ज़्यादा। देखो कैसे किसी कर रहा था। तो दोस्तों, अपने बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे का टाइम स्पेंड करो और बच्चों को ना मोबाइल से दूर रखो, ज़्यादा देखने मत दिया करो। यहाँ पे मेरे बेटा ना ज़्यादा परेशान, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था। तो इधर सबको बिस्किट भी दे रहा था वो। तो इधर मेरा टमाटर का चटनी भी बन गया था। तो बनने के बाद मैंने यहाँ पर ना आटा ख़त्म हो गया था, तो आटा लाए थे। तो मैं उसको छान के रख दे रही हूँ, क्योंकि बनाते टाइम मेरे पास टाइम नहीं रहता, तो मैं नहीं बना रही हूँ, नहीं छान रही हूँ। तो अभी मैं छान के रख दे रही हूँ।
क्योंकि कुत्ता टाइम बनाते टाइम टाइम नहीं रहता। इधर मेरा बेटा नहा लिया है, इधर आटे से होली खेल रहा था, देखो ये पूरा चुप लगा लिया था। तो यहाँ पर मैंने छन्ने के बाद साफ कर ले रही हूँ। इधर मेरा बेटा भी बहुत परेशान कर रहा था, दोनों भाई गाड़ी से खेल रहे थे हम लोग, तो दोनों को ही इन लोग गाड़ी से इस तरह खेल रहे हैं। मैंने यहाँ पे बर्तन को साफ़ कर ले रही हूँ, साफ़ करने के बाद किचन को भी अच्छे से क्लीन कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अभी नहाई नहीं हूँ, तो अभी मैंने यहाँ पे घर को पूरा आटा लग गया था घर में, तो मैंने यहाँ पे मेरा बेटा फैला दिया था, तो मैं अभी घर को भी धो दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने कपड़ा को धो ली हूँ, क्योंकि कपड़ा बहुत सारा रखाया था, तो मैं कपड़ा को भी धो ली। इधर मेरा बेटा ना परेशान कर रहा था, खेल रहा था बाहर में, और कपड़े को सुखाने के लिए वो भी परेशान कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे वो कपड़ा को सुखाने के बाद वाइपर से सबको पोछूंगी पानी को। उसके बाद मैंने यहाँ पे पोछा लगा दी, एक्स्ट्रा पानी को पोछा लगा दे रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने नहा के आ गया, नहाने के बाद मैंने यहाँ पे खाना निकाल लिया अपने लिए। तो यहाँ पे मैंने दाल भाजी और टमाटर का चटनी अचार ली है, और मैंने पापड़ भी ले ली। तो दोस्तों मैं खाने के लिए बैठ गई, खा रही हूँ अभी खाना। तो खाने के बाद मैंने एक्स्ट्रा बर्तन रखाया था, उसको भी धो लूँगी। तो मैं खाने के बाद बर्तन को धो ली, उसके बाद मैं थोड़ा सा आराम करूँगी। तो दोस्तों मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।